कुछ भी अचीवमेंट नहीं हुआ है, मैं तो जहाँ था मैं वहीं खड़ा हूँ, तो फिर उनको होश आता है यार, उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, उनकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है। कैसे हो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होगे, कुछ बेहतर कर रहे होगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होगे। दोस्तों, इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको टीनेजर्स की कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसी गलतियाँ बताने जा रहा हूँ जो कि टीनेजर्स लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे उनको पता नहीं चल रहा है उनकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो रही है, लाइफ चौपट हो रही है। अगर आप लोग भी ये गलतियाँ कर रहे थे, आपके जो भाई बहन हैं वो ये गलतियाँ कर रहे हैं, या आपके आसपास ये कोई गलतियाँ कर रहा है, तो आप उनको ये बता सकते हो। अगर आप खुद कर रहे हो तो ये गलतियाँ बिल्कुल बंद कर सकते हो, जिससे आपकी लाइफ अभी भी अच्छी हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी फ्यूचर में मतलब आने वाली जो जिंदगी है वो भी बहुत ब्राइट हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि हम आपके लिए जेन्युइन एंड यूजफुल कंटेंट लेके आते रहते हैं। बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं पहली बड़ी मिस्टेक के बारे में जो टीनेजर्स लोग बहुत करते हैं और ये गलती बड़े लोग भी करते हैं, वो ये है कि सोशल मीडिया का जैसे ही सुबह उठते हैं इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे ही सोकर उठते हैं फेसबुक खोल लेंगे, इंस्टाग्राम खोल लेंगे, रील्स स्क्रॉल करेंगे, फेसबुक पर चले जाएंगे, बहुत सारी उल्टी सी चीज़ें देखने लगते हैं। अब सुबह उठते ही लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम ये चीज़ देख रहे हैं, वो सोचते हैं कि चलो 5 मिनट फ़ोन देख ले रहे हैं। वो 5 मिनट जब फ़ोन देखते हैं, एक रील्स देखते हैं, वो स्क्रॉल करते रहते हैं, फेसबुक चलाते रहते हैं, तो ऐसे ही 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे के निकल जाते हैं। और सुबह का जो टाइम होता है, जो चीज़ हम कंज्यूम करते हैं, अच्छी चीज़ देखते हैं या बुरी चीज़ देखते हैं, वही हमारे दिमाग में पूरे दिन रहती है। और खासकर सोशल मीडिया पे आपको पता होगा नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा चलती हैं और नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में जाएंगी और सुबह उठते ही वो चीज़ आएंगी, तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। और साथ ही साथ सुबह उठते ही आपके 1-2 घंटे खराब हो जाते हैं, आपको खुद पता नहीं चलता है। ये गलती कर रहे थे नहीं कर रहे थे, मुझे यस और नो में आंसर देना कि सुबह उठते ही आपके 1.5 घंटे 2 घंटे फ़ोन पर ही चले जाते हैं। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम तो आपको होता नहीं है, फिर भी आप पूरा टाइम बर्बाद कर देते हो। तो गाइस, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। सुबह उठते ही अगर इंपॉर्टेंट काम है फ़ोन में 5 मिनट 10 मिनट का, तो वो करें। आपको 1 घंटे 2 घंटे तक फ़ोन यूज़ नहीं करना है सुबह उठते ही। अपना जो भी इंपॉर्टेंट काम है वो करें। सुबह उठते ही पानी पिए, पानी पिएंगे आप, हेल्दी खाना खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, फ्रेश होंगे, नहाएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट काम है वो करेंगे, या स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, या जो भी आप करने वाले पूरे दिन में वो प्लान करेंगे, तो ये चीज़ें मुझे लगता है ज़्यादा बेनिफिट करेंगी आपकी ज़िंदगी में, ज़्यादा फायदा करेंगी और पूरा दिन अच्छा जाएगा आपका और आपकी लाइफ भी बदल जाएगी। और दोस्तों, बात करते हैं दूसरी मिस्टेक के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लड़के जब जिम ज्वाइन करते हैं तो वो कहते हैं हमें जल्दी बॉडी बनाना है, मतलब जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में जो ट्रेनर होते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं उनको नकली माल चिपका देते हैं, मतलब नकली चीज़ें दे देंगे, कहते हैं हमें कोई दवाई दे दो, कोई गोली दे दो, कोई सप्लीमेंट दे दो हमें। और वो जब सप्लीमेंट देते हैं तो बहुत सारे सप्लीमेंट पर उनका नाम भी नहीं लिखा होता है कि जो सप्लीमेंट है किस कंपनी का है, किस ब्रांड का है, इसके अंदर कितना प्रोटीन है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं। बहुत सारी गोली भी दे देते हैं, गोली के बारे में आपको नहीं पता है, आपको सप्लीमेंट के बारे में नहीं पता है। अगर आप कोई चीज़ लेना चाह रहे हो, कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी गोली, कोई भी दवाई या कुछ भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, एक गांठ बांध लें कि उसके बारे में आपको नॉलेज गेन करना है, गूगल से गेन कर सकते हैं, या कोई जानने वाला है जिस पर आप भरोसा करते हो, तो उससे पूछें कि जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ या यूज़ करने वाला हूँ वो मेरी बॉडी के लिए, मेरी हेल्थ के लिए क्या अच्छी है। मतलब कोई वे प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं तो वे प्रोटीन देखें, कि नेट पर स्टडी करें, यूट्यूब पर देखें कि ये प्रोटीन कितना अच्छा है, कितना प्रोटीन है, मेरे हेल्थ के लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। बहुत सारे जो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि नकली माल चिपका देते हैं और उसके अंदर उल्टी सी चीज़ें मिक्स करके दे देंगे और आपकी बॉडी पर साइड इफेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को पेट निकल जाता है, बहुत सारे लोगों को एक्ने आ जाते हैं आपके चेस्ट पर, आपके बैक पर, और आपकी स्ट्रेंथ भी बिल्कुल बेकार हो जाती है और साथ ही साथ आपकी हेल्थ खराब होने लग जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ ले रहे हो, चाहे आप कोई दवाई लेने वाले हो, चाहे गोली लेने वाले हो, चाहे कोई भी सप्लीमेंट लेने वाले हो, चाहे वे प्रोटीन, BCAA, ग्लूटामाइन, कुछ भी लेने वाले हो, लेने से पहले आपको बहुत बार सोचना है। और सोचना है, जब आपकी सोचना है कि आपने लेना ही है, तो लेने से पहले आपको स्टडी करना है कि जिस भी चीज़ का मैं लेने वाला हूँ या जिस बंदे से मैं लेने वाला हूँ, क्या वो ट्रस्टेड बंदा है, क्या वो मुझे सही सामान देगा, सही चीज़ देगा। अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ ये चीज़ ना करें, प्लीज़ स्टडी करें, जानें कि वो चीज़ मेरे लिए सही होगी या नहीं होगी। अगर आपको कोई जिम में ट्रेनर है, उसके ऊपर आपको भरोसा है, सही सामान देता है, सही चीज़ देता है, तो ये ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। पर आजकल सबसे ज़्यादा यही चलता है कि जो टीनेजर्स लोग होते हैं उनको नॉलेज तो होती नहीं है, तो कोई भी उनको सामान चिपका देता है। अगर सामान है 1000 का, देते हैं 2000 का, 2500 का, आपके पैसे भी वेस्ट होते हैं, आपकी हेल्थ भी खराब होती है। तो प्लीज़ इस चीज़ पर ज़रूर फोकस करें। मैंने अपने आसपास बहुत देखा है ऐसा चल रहा है। तो गाइस, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों, बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3 की, जो कि आजकल बहुत सारे लोगों को एडिक्शन लगा हुआ है, वो बहुत सारी गलत हैबिट्स का लगा हुआ है। जैसे स्मोकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, बहुत सारी गंदी मूवीज़ देखते हैं, पॉर्न देखते हैं, मास्टरबेशन वगैरह करते हैं, तो इतनी सारी गलत चीज़ों का आपको एडिक्शन लगा हुआ है। मतलब
मतलब लत लगी हुई है आपको इतनी सारी चीज़ों की, और जब आपको लत लगी हुई है तो वो चीज़ आप करते जाओगे, आपकी सेहत भी खराब होगी, आपकी हेल्थ भी खराब होगी, साथ ही साथ होगा क्या, फ्यूचर में आप डिप्रेस्ड भी हो सकते हो, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हो, आपको एंजाइटी रहने लगेगी, बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, और साथ ही साथ अपनी हेल्थ भी खराब कर लोगे। अगर आज आपको कुछ नहीं हो रहा है, मतलब आप सोच रहे हो कि मैं मास्टरबेशन कर रहा हूँ, मैं पॉर्न मूवीज़ देख रहा हूँ, मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, मैं ड्रिंकिंग कर रहा हूँ, तो आज आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि आप नौजवान हो, 14-15 साल 16-17 18 साल के 20 साल के 25 साल के हो। पर जब एक टाइम ऐसा आता है 28 साल 29 साल 30 साल इंसान क्रॉस करता है तो उसकी हेल्थ खराब होने लगती है, वो हॉस्पिटल के चक्कर लगाना स्टार्ट कर देता है और बहुत सारी उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो गाइज़ आपको ये नहीं करना है, आपको कोई भी चीज़ कर रहे हो तो लिमिटेशन में करें, और मैं तो ये कहूँगा कि ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गलत चीज़ तो गलत चीज़ ही है यार, चाहे वो कम करें ज़्यादा करें, आपकी सेहत के लिए नुकसानदेही होती है। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी गंदगी जाती है तो हमारी लिवर, हमारी किडनी, जितना भी हार्ट होता है हमारा, हमारा ब्लड होता है, सभी चीज़ें खराब होने लगती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपने एक दिन खाई तो एक दिन में ख़राब हो गया, पर बार बार ऐसा होता रहता है, हमारी इन चीज़ों पर लोड इतना ज़्यादा पड़ता है, हमारी बॉडी खराब होने लग जाती है। तो गाइज़ आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, और आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, आपका फेस का जो ग्लो होगा बिल्कुल उड़ जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, चाहे आपके पोर्न एडिक्शन हो, चाहे मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हो, चाहे स्मोकिंग कर रहे हो, ड्रिंकिंग कर रहे हो। तो गाइज़ निचोड़ यही है कि आपको इन चीज़ों से दूर रहना है, जितना हो सके दूर रहें, अपने गोल पर फोकस करें। सबसे अच्छा तरीका यही है इन चीजों से दूर रहने का, अपने गोल पर फोकस करें। अगर आपका गोल बहुत बड़ा है, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको ये चीजें डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकती, आपका फोकस गोल पर रहेगा, आप अपने लक्ष्य पर काम करते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे, ये चीजें साइड बाय साइड खुद अलग हो जाएंगी। तो गाइस आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। बात करते हैं अगली मिस्टेक के बारे में, बहुत सारे टीनेजर्स लोग करते हैं और बहुत सारे लोग करते हैं, एक बार ये गलती हो रही है तो ठीक है, पर रोज डेली सुबह दोपहर शाम और रोज डेली आप ऐसा करते जाओगे तो बहुत नुकसान होगा, वो है दोस्तों काम को टाल देना। मतलब कोई भी काम या कोई भी चीज़ आप सोचते हो कि मुझे जिम जाना है या मुझे स्टडी करनी है या मुझे ये वाला काम स्टार्ट करना है या मुझे ये चीज़ करनी है, तो क्या करते हो, आप टाल देते हो, आज नहीं करूँगा, शाम में करूँगा, कल को करूँगा, परसों को करूँगा। तो दोस्तों जितना आप टालते जाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे, ऐसे आपके दिन निकल जाएंगे, महीने निकल जाएंगे और सालों निकल जाएंगे आपके, और जहाँ पर आप खड़े थे वहीं पर खड़े रहोगे, मतलब कुछ भी अचीवमेंट नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में। दोस्तों आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप क्या करें, आप पूरा दिन अपना क्या करते हैं, आप सोचें, जब सोने के लिए जाओ प्लीज़ सोचना कि मैंने क्या अच्छा करा है, मतलब अपने खुद के लिए, अपनी बॉडी के लिए या अपनी फ्यूचर के लिए या अपनी ग्रोथ के लिए मैंने क्या अच्छा करा है, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर सोचना कि मैंने क्या अच्छा करा है। अगर आप रोज डेली सोचते जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार मैं तो पूरा दिन वेस्ट कर रहा हूँ, पूरा दिन मेरा खराब जा रहा है, तो ऐसे दिन खराब हो रहे हैं आपके, आपके पूरे वीक मतलब पूरा हफ्ता खराब हो रहा है, पूरे महीने खराब हो रहे हैं, ऐसी सालों निकल जाते हैं। जब इंसान 25-30 क्रॉस करता कहता है यार मेरे ज़िंदगी में कुछ भी अचीवमेंट नहीं हुआ है, मैं तो जहाँ था मैं वहीं खड़ा हूँ, तो फिर उनको होश आता है यार, उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, उनकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है। तो ये मोटिवेशनल ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, जो कि मैं आसपास लोग देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जब एज हो जाती है तब होश आता है, कहते हैं अरे यार अब तो क्या होगा, अब तो मेरे पेरेंट्स भी मुझसे प्रेशर करने लगे हैं, मोहल्ले पड़ोस वाले भी मुझे बुरा भला कहते हैं, मेरे दोस्त लोग मुझसे नज़र चुराते हैं, कहते हैं ये किसी काम का नहीं है, बिल्कुल बेकार है, इसकी हेल्थ भी बहुत बुरी है, सूखा पापड़ है या बहुत इसका पेट निकल जाता है किसी लोगों का, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं कुछ लोग तो, और बैंक बैलेंस भी बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो सभी चीज़ें आपको फोकस करना है, अपनी हेल्थ पर भी फोकस करना है, पैसा कमाने पर फोकस करना है, अपनी जो लुक्स हैं आपके, मतलब किस तरीके से आप रहते हो, हर चीज़ पर आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि आप क्या करो सिर्फ फिटनेस में पड़ जाओ, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पैसा कमाने पर करना है, पैसा भी कमाना है, फिटनेस पर भी ध्यान देना है, आपको सभी चीज़ें बैलेंस बनाकर चलना है, और बैलेंस बनाकर चलोगे दोस्तों आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी, आप खुद कहोगे वाह यार मतलब मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल मज़ा आ गया, सभी लोग आपसे मोटिवेट होंगे, आपसे इंस्पायर होंगे, आपसे पूछेंगे कि यार तू ऐसा क्या करता है, तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो जिससे इतना आगे बढ़े, तो आपसे जब पूछने आएंगे तो आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा। मुझसे भी जब पूछने लोग आते हैं कि यार तुम्हारा यूट्यूब चैनल है, तुम ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हो, तुम जिम भी कर लेते हो, वर्कआउट भी कर लेते हो, और सोशल मीडिया पर और भी जगह मैं काम करता हूँ, तो मुझसे पूछने आते हैं, जब मुझसे पूछते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून महसूस होता है कि लगता है कि शायद मैंने इतना सा मतलब 1% भी मैंने कुछ काम किया है, जिस वजह से मुझे लोग इतना अच्छा मान रहे हैं, इतना अच्छा सोच रहे हैं मेरे बारे में, जो कि लोग मुझसे मोटिवेट हो पा रहे हैं। तो गाइस कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसी चीज़ करें, अपनी हर चीज़ पर ध्यान दें। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। दोस्तों आजकल के लड़के लोग बहुत करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा करते हैं कि रोज डेली बाहर का खाने लग जाएंगे, मतलब बाहर जाते हैं, एक दिन खा लिया, दो दिन खा लिया, रोज़ डेली बाहर खाते हैं, दोपहर में खा रहे हैं, शाम में खा रहे हैं, रोज़ डेली उनकी आउटिंग चल रही है, रोज़ डेली पार्टी चल रही है, बहुत सारे लोग ड्रिंकिंग भी करते हैं और टोटली फास्ट फूड खाते हैं। अब जब टोटली फास्ट फूड खाओगे तो आपकी बॉडी का सत्यानाश हो जाएगा, मतलब बॉडी बर्बाद होने लग जाएगी, पेट निकल जाएगा किसी का, कोई और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, फिजिकली मेंटली बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अगर आपको बाहर खाना है, इन्जॉयमेंट बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, तो इन्जॉय अगर करना है
तो वीक में एक बार, 10 दिन में, 15 दिन में दोस्तों के साथ घूम आए, कोई दिक्कत नहीं है, खा लिया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पर आप टोटली बाहर का खाने पर डिपेंड हो, रोज़ डेली बाहर का खाना खा रहे हो, तो आपकी बॉडी, आपका डाइजेशन, आपकी हेल्थ, सभी चीज़ बर्बाद हो जानी है आपकी। आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और जो मैंने आसपास ऑब्जर्व किया है, जो देखा है कि आजकल लोग चल क्या रहे हैं, तो वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ। बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत फ़ायदा होगा। ये वीडियो ज़रा सी भी आपको मोटिवेशन लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक करें इस वीडियो पर और दो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा भी बेनिफिट हो और आपके दोस्त का भी बेनिफिट हो जाए, हमारा चैनल भी ग्रो कर जाए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ट्रेनिंग दूँ वेट गेन में, मसल गेन में या वेट लॉस में, डिस्क्रिप्शन में नंबर प्रोवाइड कर दिया है, व्हाट्सअप पर हमें मैसेज कर सकते हैं कि आपको पेड डाइट चाहिए या पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए। बहुत हेल्प होगी, बहुत फायदा होगा। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलना, स्काई किंग हेल्थ नाम से ही है। यदि आज की वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय।